दे दी। बोलो क्या है? अब जो चीज दे दी है उसने अपनी कोड़ों की मार से आपको चंगाई दे दी है, आप क्लेम कर सकते हो। तेरे वचन में लिखा, यही वचन मैंने वीरवार भी दिया था कि वचन से क्लेम क्या करो, वचन से क्लेम करो। क्लेम कितनों को पता क्लेम का मतलब क्या है? कितनों आप में से कितनों को पता क्लेम का मतलब क्या होता है, कि कैसे वचन से क्लेम किया जाता है? हाथ खड़ा करो जिन्हें पता है कि वचन से क्लेम कैसे किया जाता है, वचन से कैसे क्लेम किया जाता है। हाथ खड़ा करो। नहीं, सबको नहीं पता, यही चीज है। अब तुम चाहते हो खुदावंद से, पर तुम्हें समझ नहीं है कि क्लेम का मतलब क्या है, कैसे क्लेम किया जाता है। हाँ, चलो जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनके पास जाओ जल्दी से, एक जन के पास। नहीं, हाथ खड़ा करके रखो, जो जो वो सबसे पीछे जाओ, सबसे पीछे पीछे जाओ, सबसे पीछे। इधर भी हाथ खड़ा करो। क्लेम का मतलब होंगे जिदा आप कोई भी चीज की जानी कि आप इंश्योरेंस कराई हो, जिदा मान लो तो वो अपना कार इंश्योरेंस ही ला लो, जिदा वह बाई चांस कि अपना रोड एक्सीडेंट हों, चीज़ की आप क्लेम लै सकते हैं जिहड़ी कंपनी के थ्रू आप कराई हो। जीजस ने अपनी बॉडी है जिहड़ी आप दी है, कोई भी प्रॉब्लम आती आप जीजस में कह सकते हैं क्लेम, वह कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। जैसे उसने, जैसे एक गाड़ी की आपने क्या की, इंश्योरेंस करी, क्या की उसका एक्सीडेंट में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या होगी, सारी टूट फूट गई, उसका बहुत नुकसान हो गया। पर जिस कंपनी से उस गाड़ी की इंश्योरेंस हुई है, हम कहेंगे लो जी आपका 50 का, आपका 10 का नुकसान हुआ, आपका 1,00,000 का हुआ, अब कंपनी उसका नुकसान भरेगी। बोलो क्या है? अब उस कंपनी, वो कंपनी उसका नुकसान भरेगी, क्योंकि आपने क्या भरी थी, वो क्लेम की, वो इंश्योरेंस बड़ी, आप क्लेम करोगे, देखो जी हमने ये भरा था, आपको इतना पैसा दिया था, अब हमारा नुकसान हो गया, ले जी। हाँ, उतने पैसे तो नहीं दिए, पर जिस चीज के लिए आपने वो चीज की है उन्हें देना पड़ेगा। इसी रीति से यीशु मसीह ने क्रूस पर, बोलो क्या दे दिए, अपने जीवन दे दिए, अपनी जान दे दी है। हाँ, उसने अपने लहू की पेमेंट दे दी है कि नहीं दे दी, और आप उसी उसी कंपनी में क्या हो, बैठ जाओ, मैं सबको और ही बरकत दे। हाँ, समझ आ रही है? तो आप किस कंपनी में हो, आपका मालिक कौन है, कौन है आपका मालिक, आप किस कंपनी में हो और आपका मालिक कौन है? मैं क्या कह रहा हूं, बोलो क्या है? आपकी इंश्योरेंस किससे हुई है, किससे इंश्योरेंस हुई है, किसने आपको अपने वचन में लिखकर दे दिया है कि तुम उसके कोड़े खाने से क्या हो गए हो? उसने तुम्हें मसीह में स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। देगा नहीं, दे दी है। मैंने कहा देगा नहीं, दे दी है। आमीन। देगा नहीं, दे दी है। बोलो क्या है? अब जो चीज दे दी है उसने अपनी कोड़ों की मार से आपको चंगाई दे दी है, आप क्लेम कर सकते हो। तेरे वचन में लिखा है। क्या लिखा है? तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तेरे वचन में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है। क्योंकि वचन कहता है, जैसे बास एक औरत है, किसके वचन में लिखा है, वो आनंद करने वाली माँ होगी,
लिखा धर्मी का वंश क्या होगा, पराक्रमी होगा। तुम ऐसे वचनों को लेकर जब खुदावंत के साथ बैठोगे तो बोलोगे तो क्या होगा, कहां से उत्तर आएगा? क्योंकि कहां की बातें तुम कर रहे हो, पृथ्वी की नहीं, ये बातें स्वर्ग की है। जब तुम पृथ्वी पर स्वर्ग की बातें बोलोगे, यीशु ने कहा तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। क्योंकि कहां से है, हाँ, हमारी जो सर्वस्व है वो कहां से है, स्वर्ग से है। जब तुम स्वर्ग का नियम पूरा करोगे, वहां की बातें बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, हाँ, फिर कुछ नहीं होगा। फिर देखना, जब तुम स्वर्ग की बातें, स्वर्ग के वचन बोलोगे जो खुदावंद ने हमें दिए, तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। क्या लिखा, तेरे वचन में ये ऐसे लिखा है, तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से, तेरे वचन में लिखा धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, तेरे वचन में ऐसे लिखा है। जब तुम वचन की बात बोलोगे, तेरे वचन में लिखा मुझे सुख का फूल जान, मैं तेरे सारे मनोरथों को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। जब तुम बार बार वचन की बातें बोलोगे तो इसने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर वो वचन पूरे होकर रहेंगे। क्या रहेंगे वो पूरे होकर रहेंगे। आमीन।